नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इसकी वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ कंफर्म तत्काल टिकट आप बुक कैसे बुक करेंगे मोबाइल नंबर डाल के। बुक होना शुरू हो गया है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप फोन से आप तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। यहाँ पर जो तरीका है, यहाँ पर ये दोस्तों ये अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका तत्काल टिकट 100% आपका कन्फर्म आपका मिलेगा। तो दोस्तों चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आपको क्या करना, प्ले स्टोर पर आपको आ जाना है। प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद IRCTC का यहाँ पर ऑफिशियल ये ऐप है, इसको आपको ओपन कर लेना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने देने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना होगा। अब इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अक्स रिचर 2.0 इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन नहीं करना, आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म यानी आप कहाँ से आप ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं तीस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से अपना स्टेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो स्टेशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सर्च बार पे आप सर्च भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेशन से आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेशन का नाम। इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर स्टेशन का नाम, तो आपको सर्च कर लेना है इस प्रकार से स्टेशन का नाम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर किस कहाँ तक जाना है वहाँ पर उस स्टेशन का आपको नाम लिखना है, तो यहाँ पर सर्च कर देना है उस स्टेशन का नाम। उसके बाद यहाँ पर उस पर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जर्नी डिटेल जो आपकी यहाँ पर डेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर जनरल यहाँ पर कोटे पर आपको सिलेक्ट करना है। जनरल कोटा पे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरल लेडीज, यहाँ पर सीनियर सिटीजन तत्काल, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे तत्काल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको बुक टिकट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करने देने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। आपकी जो भी ट्रेन है उस रूट में जाने वाली वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ट्रेन का नंबर और गाड़ी का नाम जो है ट्रेन का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर कोटा दिख जाएगा, स्लीपर में जाना है यहाँ पर थर्ड एसी या सेकेंड एसी, तो यहाँ पर आप रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर शो हो जाएगा। रिफ्रेश स्लीपर में जाना चाहते हैं तो स्लीपर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इस प्रकार से यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर टिकट आपको यहाँ पर अवेलेबल दिख रही है, यहाँ पर 12 टिकट अवेलेबल है अभी यहाँ पर तत्काल में। तो आपको अगर यहाँ पर अवेलेबल दिखाई देगी तभी आपको टिकट को बुक करना है। अगर यहाँ पर वेटिंग दिखाई देगा, अगर आपका यहाँ पर येलो कलर में दिखाई देगा आपको नहीं बुक करना है, ग्रीन में दिखाई देगा तभी आपको बुक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्राइस भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्राइस हमारा 425 रुपया। अब आपको क्या करना है, बुक टिकट इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये कन्फर्म वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया, अब इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, इस बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर डालना है और गेट OTP भी क्लिक करना है। इस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP को आपको फिल करेंगे तो आगे का फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। चलिए हम OTP को डाल देते हैं। डालते ही इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर दोस्तों IRCTC का यूजर आईडी आपने बना रखा है तो वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने यूजर आईडी नहीं बनाई है यहाँ पर IRCTC का, तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके नया यूजर आईडी आपको बना लेना है, तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे। बना लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना डाल लेना आईडी, उसके बाद आप दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, पर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो इस तरह का इंटरफेस अब यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पैसेंजर को ऐड करना होगा, अब आपको पैसेंजर को ऐड यहाँ पर करना है दोस्तों। चलिए इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ऐड न्यू पैसेंजर। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड पर नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद यहाँ जो एज है वो डालनी है आपको, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव और कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको यहाँ पर पैसेंजर को यहाँ सेव कर देना है, उसके बाद पैसेंजर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह और भी पैसेंजर रहेंगे तो वो भी ऐड हो जाएंगे। चलिए पैसेंजर ऐड करके
देखिए पैसेंजर को ऐड कर दिया गया है, पैसेंजर यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पर दूसरे भी पैसेंजर और भी साथ में जाना चाहते हैं तो ऐड ऐसे करके ऐड न्यू वाले पे आपको क्लिक करके इसी तरह आपको पैसेंजर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर सब पैसेंजर यहाँ पर आते जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बर्थ आपको अपनी सिलेक्ट कर देनी है, यहीं पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको बर्थ यानी बर्थ, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जिस प्रकार की आपको बर्थ चाहिए उस बर्थ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लोअर चाहिए तो यहाँ पर लोअर बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर किसी प्रकार का यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर मिस्टेक हो तो आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। तब आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको आप क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, अब कंटिन्यू वाले ऑप्शन हमने क्लिक कर दिया, इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका स्टेशन का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस आपका यहाँ पर शो हो जाएगा यस। अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको यस रहने देना है, अगर यहाँ पर नहीं लेना चाहते आपको नो रहने देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ पर अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत आपका नॉलेजफुल जानकारी यहाँ पर दोस्तों देने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये अगर स्किप कर देंगे तो आप टिकट नहीं बुक कर पाएंगे तत्काल, तो आपको बुक ओनली कन्फर्म इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अगर सीट खाली रहेगी तो आपका तत्काल टिकट बुक होगा, अगर नहीं सीट खाली रहेगी तो आपका तत्काल टिकट दोस्तों नहीं बुक होगा, आपका पैसा नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है और इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी ऑफिशियल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर इंटर आप यहाँ पर आईडी को डाल सकते हैं, ईमेल आईडी को, या छोड़ भी सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी मर्जी है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे इस प्रकार से इसका इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप वेट करोगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी तक यहाँ पर सीट आपको अवेलेबल दिखाई दे रही है 12, तो यहाँ पर अभी सीट यहाँ भी खाली, अभी तत्काल टिकट ये बुक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों अपनी देख लेनी है, अगर पैसेंजर में कोई एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तब आपको यहाँ पर टोटल प्राइस आपको दिख जाएगा और इस पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पर आप जब क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। अब आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा। अब आपको यहाँ पर तीन स्टेप में बताया जा रहा है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेरीफाई होगा, आपका RCT ID वेरीफाई हो गई, अब कंप्लीट पेमेंट यहाँ पर और वेरीफाई OTP, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको किस प्रकार से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो भी है यूजर आईडी में और ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर शो करेगी। अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा। अब कैप्चर को आपको डालना है, इस कैप्चर को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और फिल कर देने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तभी आपका यहाँ पर टिकट बुक हो पाएगा। अब आपको देखिए वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से यहाँ पर प्लीज़ वेट ये आपको बताया जा रहा है, प्लीज़ वेट, तो आपको वेट कर लेना है यहाँ पर। इस प्रकार से अब वेट करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर पेटीएम यहाँ पर PG आ गया है। अब आपका यहाँ पर पेटीएम वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों पेमेंट सबसे बड़ी फास्ट होता है पेटीएम से। अगर तत्काल टिकट कभी बुक करो तो आप पेटीएम का यूज जरूर करना, तब यहाँ पर आपको पेटीएम का, अगर आप पेटीएम से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अदर यहाँ पर डेबिट कार्ड भी दे रखा है, UPI भी दे रखा है और नेट बैंकिंग से, इनसे भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर पेटीएम है, तो जो पेटीएम मोबाइल नंबर लिंक है वो इस पर आपको डाल देना है। यहाँ पर हम डाल देंगे, उसके बाद प्रोसीजर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, करने के बाद आपका टिकट जनरेट हो जाएगा दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर तत्काल टिकट बुक करने का पूरा तरीका यहाँ पर समझाया दोस्तों, इस तरीके से आपको बुक करेंगे। अगर तत्काल टिकट आपका बुक हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना होम पेज पर, आ जाएंगे होम पेज पे, आप इस बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैक आ जाएंगे होम पेज पे। होम पेज पे आ जाने का टिकट बुक हो जाएगा आपका, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेटस आप चेक कर पाएंगे, तत्काल टिकट का आप चेक कर पाएंगे स्टेटस, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका PNR स्टेटस, यहाँ से आप टिकट स्टेटस चेक कर पाएंगे, यहाँ से आप टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से रिफंड देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी हिस्ट्री जो टिकट की है जो बुक किए हैं सारी टिकट यहाँ पर शो हो जाएगी। इस प्रकार से आप टिकट को दोस्तों घर बैठे मोबाइल से बुक कर सकते हैं कंफर्म। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।